नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। रामायण पर बन रही फिल्म आदि पुरुष का हर कोई बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहा है। कोरोना काल की दूसरी लहर से पहले ही इस फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई थी, लेकिन मामला बढ़ने के बाद सभी फिल्मों की शूटिंग टालनी पड़ी थी। इस फिल्म में साउथ के सुपरस्टार प्रभास भगवान राम के किरदार में नजर आने वाले, वहीं माता सीता के रोल में कृति सैनन दिखाई देंगी। इसके अलावा लंकेश के रोल के लिए सैफ अली खान और लक्ष्मण के रोल के लिए सनी सिंह को फाइनल कर लिया है। फिल्म की कास्ट की काफी चर्चा हो रही है। वहीं भगवान राम पर बन रही इस फिल्म ने भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी हिट फिल्म को पीछे छोड़ दिया। ओम राउत के डायरेक्शन में बन रही इस फिल्म की खासियत इसमें इस्तेमाल होने वाला VFX है, जिसे बाहुबली से भी शानदार बताया जा रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो SS राजामौली की फिल्म बाहुबली 2 में जहां 2500 विजुअल इफेक्ट्स के शॉट्स थे, तो वहीं आदि पुरुष में 8000 विजुअल इफेक्ट्स के शॉट्स होंगे। ये इससे 3 गुना ज्यादा है, जो कि अपने आप में क्रेजी कर देने वाला है। ऐसे में प्रभास की फिल्म आदि पुरुष को लेकर दर्शकों में भारी क्रेज है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस फिल्म को 400 करोड़ रुपए के बजट के साथ बनाया जाने वाला है। ये फिल्म हिंदी के अलावा कई भाषाओं में रिलीज होगी। इस मेगा बजट फिल्म को भूषण कुमार प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिल्म की शूटिंग मुंबई में ही एक बड़े स्तर पर की जा रही थी, जहां शूटिंग का एक हिस्सा पूरा हो चुका है और अब जल्द ही फिर से फिल्म की शूटिंग शुरू होगी। इस फिल्म में बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत दिखाई जाएगी। टीवी पर तो लोगों ने कई बार रामायण देखी, लेकिन ये पहली बार होगा जब लोग बड़े पर्दे पर रामायण पर बनने जा रही फिल्म देखेंगे। बात करें प्रभास की तो आदि पुरुष के अलावा उनकी फिल्म सालार, राधे श्याम और नाग अश्विन के डायरेक्शन में बन रही फिल्म को लेकर भी चर्चा है। इस फिल्म में वो दीपिका पादुकोण के साथ नजर आने वाले। फिल्म में दीपिका पादुकोण और प्रभास के अलावा सदी के महानायक अमिताभ बच्चन भी नजर आने वाले। इतना ही नहीं, प्रभास को लेकर सिद्धार्थ आनंद भी एक फिल्म बनाने की तैयारी में। रिपोर्ट्स की माने तो ये ऋतिक रोशन के साथ होने वाली फिल्म वॉर 2 हो सकती। खैर, जो भी हो, फिलहाल प्रभास की फिल्म ने बाहुबली 2 के रिकॉर्ड को रिलीज से पहले ही तोड़ दिया। आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।